नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट रिवाइज कर रहे थे, एजुकेशनल लीडरशिप, जिसमें ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे नेतृत्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, इसके बाद शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता एवं शिष्टाचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब नेतृत्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो सिद्धांत, थ्योरी से हमारा क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे तथ्य जो हमें बताएं कि कोई कार्य क्यों होता है। तो नेतृत्व के सिद्धांत ऐसे सिद्धांत जो हमें बताते हैं कि नेताओं में वे कौन से गुण हैं जो उन्हें अन्य समाज से अलग करते हैं। नेतृत्व की थ्योरी नेतृत्व के सिद्धांत कहलाते हैं। प्रमुख नेतृत्व थ्योरी निम्न है। सबसे पहली है ग्रेट मैन थ्योरी, इसको हम हिंदी में कहते हैं मान व्यक्तित्व का सिद्धांत। दूसरी है ट्रेट्स थ्योरी, इसको कहते हैं सील गुण का सिद्धांत। थर्ड है कॉन्टीजेंसी थ्योरी, आनुषांगिक सिद्धांत। फोर्थ है बिहेवियरिकल थ्योरी, यानी कि व्यवहारिक सिद्धांत। और अगली है कार्य संपादन थ्योरी, ट्रांजेक्शनल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है रूपांतरणीय थ्योरी, ट्रांसफॉर्मर थ्योरी। सब आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएंगी। देखो, सबसे पहली ग्रेट मैन थ्योरी, मान व्यक्तित्व का सिद्धांत। ये हमें बताती है कि नेता जो है जन्मजात होते हैं, यानी कि बनाए नहीं जाते, वंशानुक्रम पर फोकस करती है। इसकी उल्टी है व्यवहारिक थ्योरी, ऐसे आपको समझना है। जो व्यवहारिक थ्योरी है वो वातावरण पर फोकस करती है और कहती है कि नेता जन्मजात नहीं होते, बनाए जाते हैं। ठीक है, एक एक समझते हैं। सबसे पहले ग्रेट मैन थ्योरी, तो ये नेतृत्व की सबसे पुरानी थ्योरी है, जिसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इसे थॉमस कार्लाइल ने प्रचारित किया था। इसके अनुसार महान नेता जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। किसी व्यक्ति में जो नेतृत्व के गुण होते हैं, नेता बनने के गुण होते हैं, वो जन्मजात ही उसमें होते हैं। ठीक है, जो वातावरण है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तो महान नेता जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। ये थ्योरी वंशानुक्रम पर फोकस करती है, वंशानुक्रम पर जोर देती है। ग्रेट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, महान नेता जन्मजात होती है, बनाए नहीं जाते। दूसरी है ट्रेट्स थ्योरी। तो ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? लक्षण, कुछ ऐसे गुण जो मानव व्यवहार को प्रदर्शित करें, उन्हें हम कहते हैं ट्रेट्स, सील गुण। ठीक है, तो ट्रेट्स थ्योरी का प्रतिपादन 1937 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक G.W. ओलपर्ट ने किया था। अगर आपने व्यक्तित्व पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें व्यक्तित्व जो सील गुण सिद्धांत, उसमें ओलपर्ट ने दिया था, तो वही ये है। यानी कि इसमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति में दो तरह के ट्रेट्स होते हैं, क्योंकि जो व्यक्तित्व है उसी पर तो आपका नेतृत्व निर्भर करता है। दो तरह के ट्रेट्स बताए, सामान्य ट्रेट्स और विशिष्ट ट्रेट्स, या इनको हम व्यक्तिगत ट्रेट्स भी कहते हैं, कॉमन ट्रेट्स एंड पर्सनल ट्रेट्स। तो सामान्य ट्रेट्स यानी कि हर व्यक्ति में जो पाए जाएं, लेकिन पर्सनल ट्रेट्स क्या हैं? कुछ विशिष्ट लोगों में ही पाए जाएं, कुछ स्पेशल लोगों में ही पाए जाएं, उन्हें हम विशिष्ट ट्रेट्स कहते हैं। सबसे पहला है सामान्य ट्रेट्स, यानी कि सामान्य ट्रेट्स अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं और ये जन्मजात होते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत ट्रेट्स, पर्सनल ट्रेट्स, तो ये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में ही पाए जाते हैं। इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो व्यक्तिगत ट्रेट्स हैं वो ही नेतृत्व के गुण को पैदा करते हैं, यानी कि नेतृत्व का गुण सभी में नहीं होता है, जो व्यक्तिगत ट्रेट्स हैं उन्हीं के द्वारा नेतृत्व गुण का गुण पैदा होता है। इसके बाद आती है आनुषांगिक थ्योरी, कॉन्टीजेंसी। तो आनुषांगिकता से हमारा क्या मतलब होता है? कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता, संयोग या प्रासंगिकता। आप इनका मतलब समझ लो और इसी के नाम से ही आपको ये थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये थ्योरी कहती है, आनुषांगिक नेतृत्व की थ्योरी मानव सील गुण परिस्थिति से संबंधित है, यानी कि आकस्मिकता परिस्थिति पर संबंधित है। ठीक है, परिस्थिति से संबंधित है। इस प्रकार ये थ्योरी बताती है कि नेतृत्व का कोई अकेला ढंग नहीं है और प्रत्येक नेतृत्व शैली परिस्थितियों पर आधारित होती है। ठीक है, ये बताती है कि जो कोई व्यक्ति नेता बनेगा या नहीं, ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो किसी व्यक्ति को नेता बना देती हैं। ठीक है, तो ये परिस्थिति पर आधारित होती है। कहती है कि आकस्मिक रूप से कोई व्यक्ति नेता बन जाता है, संयोग से कोई व्यक्ति नेता बन जाता है। इसके बाद चौथी आती है व्यवहारिक थ्योरी, जो कि आपकी ग्रेट मैन थ्योरी की उल्टी है, मान व्यक्तित्व सिद्धांत की उल्टी है। तो ये नेताओं के व्यवहारों पर फोकस करती है। इसके अनुसार जो नेता जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, ये वातावरण पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित है। इस प्रकार ये ग्रेट मैन थ्योरी की विपरीत है।
नेक्स्ट है कार्य संपादन थ्योरी, ट्रांजेक्शनल थ्योरी। तो कार्य संपादन, सिंपल नाम से आप समझो, कार्य संपादन यानी कि जब नेता और उनके अनुयायी मिलते हैं तो वो अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। ये थ्योरी नेता और अनुयायियों के मध्य किए गए कार्य संपादन द्वारा विशेषीकृत है। सामान्य रूप से मानव आनंददायक अनुभवों को अधिकतम करने और आनंद ना देने वाले अनुभवों को कम करने का प्रयास करता है। सिंपल सी बात है, जिनमें हमें आनंद आता है उनको हम चाहते हैं कि वैसे अनुभव हमें बार बार मिले। जैसे एक क्लास में एक बच्चा है, उसने अच्छे अंक पाए तो उसका लोग उसकी पढ़ाई करेंगे, यानी कि वो और ज़्यादा अंक पाना चाहेगा। ऐसे ही करते करते कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनसे व्यक्ति को आनंद मिलता है तो वो उनको ज़्यादा करता है। तो इसमें बताया गया कि इसी के कारण किसी व्यक्ति में नेतृत्व के गुण जो है पैदा हो जाते हैं। ये थ्योरी नेता और अनुयायियों के मध्य किए गए कार्य संपादन द्वारा विशेषीकृत है। सामान्य रूप से मानव आनंददायक अनुभवों को अधिकतम करने और आनंद ना देने वाले अनुभवों को कम करने का प्रयास करता है। जो आनंद देने वाले अनुभव हैं उनको अधिकतम करने का प्रयास करता है, इसी से नेतृत्व का गुण किसी व्यक्ति में पैदा हो जाता है। इसके बाद लास्ट है रूपांतरणीय थ्योरी, ट्रांसफॉर्मल थ्योरी। तो इसके अनुसार ये थ्योरी हमें बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का मतलब क्या होता है, बदलाव करना। ये थ्योरी हमें बताती है कि एक नेता जो है अपने सपोर्टर्स का, अपने मानने वालों का व्यवहार चेंज कर देता है, रूपांतरण कर देता है। तो इसके अनुसार नेता अपनी अभिप्रेरणात्मक प्रकृति और अच्छे व्यक्तित्व के माध्यम से अपने अनुयायियों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, उपयुक्त थ्योरी से ये स्पष्ट होता है कि नेतृत्वकर्ता निश्चित रूप से संस्था को कुशल नेतृत्व देने में सक्षम एवं सफल होते हैं और अपनी संस्था को उन्नति के शिखर तक पहुंचाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता एवं शिष्टाचार, इथिक्स एंड एटिकेट इन एजुकेशनल लीडरशिप। तो सिंपल, हमारा सबसे पहले नैतिकता का क्या मतलब होता है, ठीक है, मीनिंग ऑफ इथिक्स। नैतिकता से आप सिंपल समझो कि समाज के द्वारा जो बिहेवियर आपका स्वीकार किया जाए वो नैतिक है, और जो समाज के लोगों द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाए वो कार्य अनैतिक है। तो समाज में प्रत्येक कार्य कुछ नियमों द्वारा संचालित होती हैं, समाज के भी कुछ नियम हैं जिसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। सामूहिक रूप से इन्हें नैतिकता की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में नैतिकता आचार, अनुबंध और उत्तरदायित्व है जो समाज में विशिष्ट समाज अथवा समूह द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, अब शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता से हमारा क्या मतलब होता है, इथिक्स इन एजुकेशनल लीडरशिप। तो शैक्षिक नेतृत्व में निम्न नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है स्वशासन। ठीक है, जो शैक्षिक नेतृत्व करता है उसमें स्वशासन होना चाहिए, अपने आप में अनुशासित होना चाहिए, संवेदनशीलता। ठीक है, किसी भी मुद्दे को लेकर वो संवेदनशील हो। इसके बाद समझ, दृढ़ता, न्यायप्रियता, स्वस्थ कार्यकारी संबंध। समझ होनी चाहिए उसको कोई भी डिसीजन ले रहा है। ठीक है, दृढ़ता होनी चाहिए, वही बात है कि अपने निर्णय पर टिका रहे। इसके बाद न्यायप्रियता, सबके साथ उसका बिहेवियर जो है न्यायप्रिय हो। स्वस्थ कार्यकारी संबंध, सभी के साथ उसके अच्छे संबंध होने चाहिए, अपने समूह के सभी सदस्यों के साथ। अब शिष्टाचार क्या क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ एटिकेट। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए वे बहुत सारे सद्व्यवहारों को अपने परिवार में रहकर माता पिता और अन्य लोगों से जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। इस प्रकार बालक में अच्छे संस्कारों का सृजन करना ही शिष्टाचार है। अच्छे संस्कारों को बालक में संग्रहित करना, इकट्ठा करना ही शिष्टाचार कहलाता है। दूसरे शब्दों में शिष्टाचार समाज में प्रदत्त स्वीकार्य योग्य व्यवहारों अथवा आचरणों के परंपरागत नियम है। अब शैक्षिक नेतृत्व में शिष्टाचार क्या है, एटिकेट इन एजुकेशनल लीडरशिप। तो शैक्षिक नेतृत्व में शिष्टाचार के अंतर्गत निम्न गुण आते हैं। ठीक है, समय निष्ठा, जो नेतृत्व करता है नेता है उसमें पंचुअलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अपने समय पर हर कार्य करें। जैसे क्लास में जो आपका नेतृत्व करता होता है वो होता है शिक्षक, तो शिक्षक पंचुअल होना चाहिए। ठीक है, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व उसका जो है शैक्षिक नेतृत्व में, क्योंकि नेतृत्व करता तो जो मैन होता है वो शिक्षक ही होता है, तो वो समयनिष्ठ होना चाहिए, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक छात्र का आदर्श होता है, तो उसका व्यक्तित्व छात्रों पर सीधे यानी कि डायरेक्ट या अनडायरेक्ट रूप से पड़ता ही है। तो उसका व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण होना चाहिए, प्रभावपूर्ण संप्रेषण एक नेता के लिए, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, उसके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही जरूरी होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। बैठकों में शिष्टाचार, ठीक है, आत्मीयता, गुटबंदी रहित होना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व में अगर गुट बन गया तो वो नेतृत्व, वो जो है नेतृत्व बिल्कुल खराब हो जाता है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं वो हमें मोटिवेशन का कार्य करते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।